गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के महेंद्रा एंक्लेव इलाके से स्कूल जाते समय एक 13 साल की छात्रा का कार सवार 3 लोगों ने अपहरण कर लिया। जिस जगह ये घटना हुई वहाँ मौजूद लोगों ने इसकी सूचना परिजनों और पुलिस को दी। पुलिस को बदमाशों के बारे में कोई सुराग नहीं लगा। महिंद्रा एनक्लेव में रहने वाले रवि कुमार पाल की 13 साल की बेटी दिया जो पास ही के सोनिका पब्लिक स्कूल में पढ़ती है, आज सुबह स्कूल जाने के लिए निकली और जैसे ही घर से कुछ दूर पहुंची, तभी एसेंट कार सवार कुछ लोगों ने उसे गाड़ी में खींच लिया और फरार हो गयी। इसकी सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और प्रत्यक्ष दर्शियों से जानकारी ली और पुलिस को सूचना दी गयी। मेरे साले की लड़की है, सुबह 7:30 बजे स्कूल गई थी सोनिका स्कूल में, वहाँ से रास्ते में से किसी ने किडनैप कर लिया। किस तरह से किडनैप कर लिया? गाड़ी आई थी उसमें खींची थी, लड़की हाथ पकड़ के खींची थी। वहाँ के लोगों ने एक दो ने बताया था कि ये गाड़ी किस रंग की गाड़ी थी, सलेटी कलर की गाड़ी थी। और लड़की का क्या नाम? रिया। कौन सी क्लास में थी? 7वीं क्लास में। स्कूल? सोनिका स्कूल महेंद्रा ब्लॉक। कब की घटना है? सुबह 7:30-8 बजे। इस मामले की सूचना मिलने पर हरकत में आई पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। देखिए, कवि नगर के अंतर्गत शास्त्री नगर एरिया का मामला है। सुबह लगभग 9 से 10 के दरमियान 13 साल की बच्ची अपने स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, पर वो स्कूल की डायरेक्शन में न जाकर उस दूसरे डायरेक्शन में जा रही थी, ऐसा एक विटनेस ने बताया। उसका कहना था कि एक वहाँ से गाड़ी आई सिल्वर कलर की एसेंट, जिसमें बच्ची बैठ गई और उसके बाद से घर वालों को सूचना दी गई। इसमें जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, FIR दर्ज की गई है, आसपास के CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं और उसमें इस तरीके की जितनी भी एरिया में गाड़ियां थी जो चिन्हित की गई थी उसको आइडेंटिफाई करके पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि उसमें के बारे में जल्द से जल्द पता लगेगा। सर, उद्देश्य मालूम हो पाया अभी तक? कुछ उद्देश्य रहा हो? नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य अभी तक नहीं है। उसके परिवार वाले भी नहीं बता पा रहे हैं, ना कोई रंजिश है ना कोई ऐसी और बात है, अभी तक तो ऐसा कोई उद्देश्य क्लियर नहीं। दिन दिहाड़े हुई इस वारदात के बाद कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एंटी रोमियो अभियान और तमाम सख्ती के बावजूद इस तरह की वारदात पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर रही है। गाजियाबाद से राशि चौधरी की रिपोर्ट।